जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमोगणी, मंगलं कुंदकुंदात्यो, जैन धर्मो सुमंगलम्। सर्व मंगल मांगल्यम्, सर्व कल्याण कारकम्, प्रधानम् सर्वधर्माणाम्, जैनम् जयतु शासनम्, जैनम् जयतु शासनम्, जैनम् जयतु शासनम्। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे चिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि बहु दुखन को करी है सत्तानाश, करी है सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। परम पवित्र दिवस है आज। आज के दिन अकंपनाचार्य आदि 500 मुनिराज का जो उपसर्ग दूर हुआ था, परम दिवस पर हम अकंपनाचार्य आदि 500 मुनिराज को स्मरण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके धैर्य की प्रशंसा करते हैं, और ऐसी हम निरंतर भावना भाते हैं कि जीवन में हमारे उदय के विपरीत प्रसंग में भी हमारा अंतर्बल इस प्रकार का हो कि हम धर्म से नहीं डिगें। साथ ही साथ ज्ञानी धर्मात्माएं जो इस मार्ग में लगे हुए हैं, यदि उन्हें किसी भी प्रकार की विपत्ति आती हो तो हम यथा संभव उस प्रकार उसे दूर करें। ऐसी मंगल भावना के साथ हम अकंपनाचार्य आदि 500 मुनिराजों को स्मरण करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है, तीसरा अधिकार अपना संसार दुख का वर्णन और मोक्ष सुख का वर्णन, वो हमने प्रारंभ किया है। मंगलाचरण के पश्चात टोडरमल जी साहब उदाहरण के द्वारा यहां जो प्रकरण है किस प्रकार से लिया है उसको समझा रहे हैं कि जिस प्रकार वैद्य रोगी को रोग का निदान बताकर और रोग की अवस्था का निर्णय कराकर, रोग का निदान और रोग की अवस्था का वर्णन कराकर फिर क्या करता है कि रोगी को रोग का निश्चय कराता है। क्या कराता है मुकेश जी भाई साहब? रोगी को रोग का निश्चय कराता है। जब उसको ये निश्चय हो जाता है कि मुझे इस प्रकार का रोग है, तब क्या करता है? फिर उसके इलाज करने में रुचि कराता है। रोग का निर्णय, रोग का विश्वास यदि रोगी को नहीं हो तो वह इलाज कैसे लेगा?
यदि आपको ये निश्चय नहीं कराया जाए कि इस प्रकार का आपका रोग है और आपको विश्वास ही नहीं हो तो कैसे काम चलेगा। डॉक्टर बोले आपके पेट में जो है ना ये जो अल्सर हो गया है, तब आपको विश्वास ही नहीं हो कि मुझे अल्सर है तो क्या करें, फिर इलाज लेगा वो है नहीं। तो फिर पहले क्या करते हैं कि तुझे अल्सर है इस बात का निर्णय कराते हैं। अल्सर है कैसे निर्णय कराते हैं कि रोग का निदान और रोग की अवस्था दोनों बताते हैं कि पेट में जलन होती होगी है ना, कभी कभी ऐसा दर्द होता होगा, ऐसे नाना प्रकार से जो है। तो क्या करता है रोगी, रोग का निश्चय करता है। जब रोग का निश्चय हो जाता है हाँ मुझे इस प्रकार का रोग है और ये खतरनाक है तो अब मुझे इलाज करना है, तो वह रोग का इलाज करने में रुचि दिखाता है। अभी यहाँ संसार रोग है उसका पहले निर्णय कराएंगे कि इस जीव को या मुझे संसार रोग है, और इसको विश्वास हो जाएगा हाँ मुझे संसार रोग है, मुझे इस संसार रोग को मेटना है, तब उसका इलाज बताएंगे। ये है प्रकरण, देखो पेज नंबर 51। रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे भासित हो वही उपाय करता है, इसीलिए दुख दूर नहीं होता और तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। है ना, तीन पंक्ति मिल गई आपको है ना। क्या कह रहे हैं, पहले तो रोगी को दुख का वेदन तो है। पहली पंक्ति में क्या कहा, रोगी रोग से दुखी तो हो रहा है, इसका मतलब है उसको दुख का वेदन तो है। भाई क्या है, रोगी को दुख का वेदन है लेकिन क्या नहीं है, दुख का मूल कारण नहीं जानता। पहली पंक्ति में क्या कहा कजावा साहब, रोगी को दुख तो है, दुख की फीलिंग तो हो रही है लेकिन ये दुख क्यों हो रहा है इसका कारण नहीं जानता। ठीक है, पहली पंक्ति का क्या अर्थ है, देखो रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता। किसका मूल कारण नहीं जानता बाबू जी, रोग क्यों हुआ है मुझे इसका कारण वो नहीं जानता। दूसरी क्या गड़बड़ी है, सच्चा उपाय नहीं जानता। दूसरा क्या है कि ये रोग दूर कैसे होगा, सच्चा उपाय भी नहीं जानता। रोग क्यों हुआ है ये भी नहीं जानता और रोग कैसे दूर होगा ये भी नहीं जानता, और रोग का दुख है उसका वेदन है उसको। तीन बातें हो गई, कौन बोलेगा आप में से, तीन बातें कौन बोलेगा। जल्दी जल्दी बताओ, आज वैसे भी संख्या कम है। रोग में दुख का वेदन है, हाँ भाई मुझे दुख हो रहा है ना, ठीक है। दूसरा, बहुत सुंदर, ये जो दुख क्यों हुआ इसका कारण नहीं पता है उसको, और हाँ और दुख कैसे दूर होगा वो भी नहीं पता है। ठीक है, देखो क्या है, वेदन है, दुख का वेदन है, दुख का वेदन, दुख का कारण नहीं जानता, और दुख दूर करने का उपाय नहीं जानता। तीन बातें हो गई, क्या दुख का कारण भी नहीं जानता, दुख दूर करने का उपाय भी नहीं जानता, दुख है और उसका वेदन है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, मात्र दुख सहन करने के अलावा वह कुछ नहीं करता, तड़प तड़प कर मात्र दुख ही सहता है। कौन कौन, जो रोगी है ना। जो अब ये तो हो गया दृष्टांत है ना, अब दृष्टांत जो है जिससे उसी प्रकार, देखो पंक्ति है ना मिली पंक्ति, अब आगे पढ़ता हूं, उसे वेद्य दुख का मूल कारण बताएं, दुख का स्वरूप बताएं,
उन उपायों को झूठा बताए तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। दूसरी बात क्या कही? पहली बात तो क्या कही बाबूजी? पहली बात क्या कही? अभी जल्दी जल्दी कजाओ साहब, पहले क्या बात कही? दुख का वेदन है, दुख का कारण नहीं जानता और दुख दूर करने का उपाय नहीं जानता, रोगी की तरफ से। अब वेद की तरफ से बात क्या करते हैं कि वेद्य पहले दुख का कारण बतावे, फिर उसके बाद दुख का स्वरूप बतावे कि तेरे को ये अल्सर हुआ है ना, यदि तूने इसका इलाज नहीं कराया तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आंख के अंदर छाले हो गए हैं, अभी ये ऐसे ऐसे उसको उसकी अवस्था को बताते हुए उसको निर्णय करावे। उन उपायों को झूठा बतावे, किन उपायों को झूठा बतावे बाबू जी? हाँ, जो उपाय, जो सच्चे उपाय वो तो जानता ही नहीं था, वो उपाय तो कर रहा था मुकेश जी भाई साहब सुखी होने के लिए, लेकिन सच्चा उपाय नहीं जानता था, तो फिर उपाय क्या कर रहा था वो? वो क्या उपाय कर रहा था? झूठे उपाय कर रहा था। भाई अपन सुखी होने के लिए क्या उपाय करते हैं बोलो भाई? सुखी होने के लिए क्या उपाय करते हैं कजावा साहब? है परिग्रह एकत्रित करते हैं, एक मकान हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, कुछ बैंक की एफडी हो जाए, है कुछ थोड़े बहुत गहने हो जाए, है ना, थोड़ी समाज में इज्जत हो जाए, है अकेले रहे हो अपन सुखी हो जाएंगे, यही चलता है ना मुकेश जी भाई साहब? ठीक है, ये काई के लिए करते हैं अपन सब, है सुखी होने के लिए। अभी पहले टोटन मल्ली साहब कह रहे हैं कि सुखी होने का सच्चा उपाय तो जानता नहीं है और उपाय करता है, इसका मतलब ये जो भी उपाय करता है वो बाबूजी क्या है? झूठे हैं। अब जो वैद्य है ना, वैद्य वो बताता है क्या कि तेरे को जो अल्सर का रोग है ना, तेरे को यूं लगता है कि मैं चाय पीता हूं तो अच्छा है और मेरा पेट साफ हो जाता है, बोले अरे ये चाय उस छाले को और ज्यादा खतरनाक करती है। क्या बताते? अरे मिर्च मसाला खाने से पेट साफ रहता है, अरे भाई ये तेरे को मिर्च मसाला तेरे इस रोग के लिए। तो तू जो उपाय करता है, कौन उपाय करता है? रोगी जो उपाय करता है उसको क्या बताए वैद्य? झूठे बताए, झूठे। और जब रोगी को ये समझ में आ जाए कि ये उपाय झूठे हैं, तब क्या करेगा बाबू जी? आप बताते हो साहब, हम तो भी 50 बरस से रोज सुबह मक्की की रोटी खा रहे हैं, अब डॉक्टर ने देखा बोले नहीं आपके शुगर का लेवल तो ज्यादा है, आपकी बॉडी में शुगर है, ऐसा करो आप ये मक्की और चावल मत खाओ, क्यों कि इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है। अरे हम तो 50 बरस से खा रहे थे। ठीक है क्या, लेकिन मत खाओ। उसके बाद तुरंत जैसे उसको पता चल जाए कि हाँ इसको खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, तब क्या करेगा बाबू जी? क्या करेगा बोलो भाई, जल्दी बोलो। बंद कर देगा ना तुरंत प्रभाव से, है ना, बंद कर देगा ना। कौन? जिसको रोग का कारण पता चल जाए और जो वह उपाय कर रहा था वह उसको झूठे भाषित होने लग जाए। मुकेश जी भाई साहब, अपने को आचार्य महाराज कहते हैं कि जो साधन तू इकट्ठे कर रहा है इससे सुख नहीं दुख होगा, और तू जिस हिसाब से सुखी होना चाह रहा है तू तो दुख की सामग्री एकत्रित कर रहा है। अपने को विश्वास होगा तो क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे कहो साहब? तभी तो इलाज होगा, और यदि नहीं हटता है इसका मतलब है उसको विश्वास नहीं है, है ना, उसको वही बात पर विश्वास है जो ये झूठे उपाय कर रहा था। ठीक है, देखो आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? उसे वैद्य दुख का मूल कारण बताए, दुख का स्वरूप बताए, उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। बाबूजी कब सच्चा उपाय करेगा ये बताओ आप, सच्चा उपाय कब करेगा? जब ये जो उपाय कर रहा है ना अनादि से सुखी होने के लिए, जब इसको विश्वास हो जाए कि ये उपाय झूठा है, तब उसको छोड़ेगा और सच्चा उपाय करेगा जो आचार्य उपाय। अपने साथ क्या स्थिति है? अपने क्या साथ क्या स्थिति है? हम जो उपाय कर रहे हैं वो अपने को झूठे लगते हैं कि नहीं, ये बताओ आप। अपने को क्या लगता है कि हम भोग भोगते तृप्त हो जाएंगे, ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता है बोलो? हैं,
इच्छा को पूरे करते करते हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता है अपने को है? और आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आज तक किसी भी जीव ने इच्छा को पूरा कर करके सुखी नहीं हुआ है, इच्छा को मेट कर ही सुखी हुआ है। अब अपने को ये बात जचती है कि नहीं जचती है? भोग से कभी भी जीव तृप्त नहीं हुआ है, है? ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आप क्या करोगे? भोगों को जोड़ने का, सामग्री को जोड़ने का जो आप कर रहे हो मिथ्या है उसमें विकल्प, वो तोड़ोगे। और जो अपना सुख स्वभावी आत्मा है, जो नित्य उद्योत रूप है, आप उसकी पहचान करोगे, उसकी समीपता करोगे, उसकी लीनता करोगे, कब होगा ये काम? ये हाँ, उन उपायों को यह झूठा समझे। किन उपायों को संजय भाई? किन उपायों को झूठा समझे जीव? जो मैं सुखी होने के लिए कर रहा हूं वर्तमान में, वह सब उपाय कैसे हैं? झूठे हैं। बोलने से नहीं, अंदर से इसको विश्वास हो। क्या अंदर से क्या विश्वास होना चाहिए? जो मैं उपाय कर रहा हूं सुखी होने के लिए, वह सब कैसे हैं? झूठे हैं। जब इसको विश्वास हो जाए तब सच्चे उपाय की रुचि करता है, फिर वो सच्चे उपाय की तरफ। और जब उसको लगेगा नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही है, आप कितना भी समझा दो बाबूजी, वो मानेगा क्या? जब तक इसको अंदर में ये पता है क्या कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, तो वो कितना भी आप समझा दो मानेगा, लोक में भी समझा दो आप, है? कब? जब उसको ये पता चले कि मैं जो ये कर रहा हूं ये मेरी गलती है। जब तक इस जीव को अपनी गलती का पता नहीं चले तब तक ये उसी मार्ग पे, उल्टे मार्ग पर ही लगा रहता है, आप कितना भी उसमें कर लो। अब आगे देखो, उसी प्रकार, अब तो ये बात चल रही है सिद्धांत की, है ना? वो तो दृष्टांत था, अब ये उसके आधार से समझा रहे हैं। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है। कौन है संसारी? संसारी कौन है भाई? मैं किससे दुखी हो रहा हूं? संसार से। संसार कहां है बाबूजी? संसार कहां है? है? अरे जल्दी बोलो। संसार पत्नी में है, संसार बच्चे में है, संसार घर में है, संसार देश में है, संसार कहां है? कहां है संसार? हाँ, अपने भावों में संसार खड़ा किया है। अब किसको संसार कहना, किस भाव को संसार कहना? गुरुजी बात पकड़ में आ रही है? संसार कहां है? अपन बोलते हैं ना मैं संसार में दुखी हो रहा हूं, संसार कहां है? कहां है संसार भाई? हमारी एक समय की दशा में। अच्छा साहब कैसे है संसार? मुकेश जी साहब कहां है संसार? है हमारी एक समय की पर्याय में है ना, अज्ञानता के कारण खड़ा हुआ है। वो अज्ञानता क्या है? है वो अज्ञानता क्या है? ये प्रश्न है अपना, ये ले जिसके कारण मैं दुखी हूं। अपन बोलते हैं बाबू संसार में दुखी हूं, तो ये क्या बार बार ही घूमता है? हाँ, जैसे घर में दुखी हूं, व्यापार में दुखी हूं, शरीर स्वस्थ नहीं होता, ये इसको वही वही डोले खाता है। कहां दुखी है जीव? एक समय की पर्याय में जो मिथ्या श्रद्धा है उसका नाम संसार है, जो मिथ्या ज्ञान है उसका नाम संसार है, जो मिथ्या चारित्र है उसका नाम संसार है। तो मिथ्या श्रद्धा क्या है? कि इस शरीर को अपना मान रखा है ना, इस संपत्ति को अपना मान रखा है, उसका ये अपने को कर्ता मानता है, उसको अपना ये भोक्ता मानता है, वो मेरे अनुसार परिणमित होता है ऐसा मानता है। ये क्या है भाऊजी? इसका नाम, इसका नाम है संसार। और दुखी किससे हो रहा हूं? मैं इसीलिए दुखी हो रहा हूं। किससे दुखी हो रहा हूं? कौन दुखी करता है मेरे को संजय जी भाई साहब? कौन दुखी करता है? ये मेरा मिथ्या श्रद्धान, ये मेरा मिथ्या ज्ञान, ये मेरा मिथ्या चारित्र, ये मेरे को दुखी करता है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है। कौन से संसार से दुखी हो रहा है बाबूजी? पत्नी से, बच्चों से, व्यापार से, शरीर से, किससे दुखी हो रहा है? पत्नी के प्रति के राग से, शरीर के प्रति के राग से,
शरीर के प्रति अहम बुद्धि से, शरीर के प्रति कर्तापना कर्ता बुद्धि से, शरीर का बाहर की सामग्री का भोक्ता बुद्धि से ये जीव दुखी हो रहा है। आई बात समझ में? अब क्या है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता। किसका भाजी? दुख का मूल कारण नहीं जानता। हम सब दुखी हैं कि सुखी हैं? अरे हाँ जी या ना जी, बोलो जल्दी। दुखी हैं कि सुखी हैं? बोलो ना। हैं दुखी हैं, तो अब मैं पूछता हूं दुख का कारण क्या है बताओ। सब बोल रहे हो ना दुखी हैं, तो किससे दुखी हो? हैं बाबू जी किससे दुखी हैं? हैं अपनी इच्छाओं से दुखी हैं। चलो और क्या साहब, संजय जी भाई साहब कहीं से दुखी हैं? हैं मिथ्या भाव से दुखी हैं। और हैं अज्ञान से दुखी है। और हैं पूरा संसार मतलब क्या क्या चीज दुख में है संसार में? हाँ क्या क्या चीज दुख में है बाबू जी संसार में, ये तो बताओ आप। हैं हैं अभी क्या है, ये जो आपने तीन कारण बताए ना, मिथ्या भाव, अज्ञानता है ना, और ये मोह राग द्वेष, इससे मैं दुखी हूं। आप मानते किससे दुखी हो ये बताओ। आपने बोला तो ये है, मानते किससे हो? किससे मानते हो संजय जी भाई साहब? हैं नौकर नहीं आता इसलिए दुखी है, हैं समय पर पैसा नहीं देते हैं ग्राहक लोग व्यापारी इसलिए दुखी हैं, हैं घर में पत्नी बच्चे अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है इसलिए दुखी हैं, क्या करूं मैं सोचता हूं वो काम होता ही नहीं है इसलिए दुखी हूं, शरीर की कैसी स्थिति है, हैं समाज में कोई हमारे को पूछता ही नहीं है, हमने परिवार के लिए इतना किया और परिवार वाले हमें, किससे दुखी हो बोला? आपने जो बताया ना उतना वो तो मानते ही नहीं हो आप, मानते कुछ दूसरा हो, यहां बोल कुछ रहे हो। तो यहां टोटल मल्ली साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका मूल कारण नहीं जानता। किसका मूल कारण नहीं जानता? जो दुख है उसका मूल कारण नहीं जानता, तथा सच्चे उपाय नहीं जानता। दुख दूर कैसे होगा, सच्चे उपाय नहीं जानता। क्या बात कर रहे हो मुकेश जी भाई साहब, हमें पता नहीं सच्चे उपाय। मैं जो परेशान है परेशान हूं, किससे परेशान हूं अजीत भैया? कि साहब हमारी आजीविका योग्य नहीं है, तो अब मैं सच्चा उपाय क्या करूंगा कि मैं बढ़िया कोई दुकान या बढ़िया नौकरी करूं तब तो मैं सुखी हो जाऊंगा ना। है? अभी मैं दुखी इसलिए हूं कि हमारे पास भोग सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिस समय भोग और सामग्री मिल जाएगी तब तो मैं सुखी हो जाऊंगा ना। है? जो मेरी अभी इतनी अनंत इच्छाएं खड़ी है इनको जब मैं पूरा कर लूंगा तब तो मैं सुखी हो जाऊंगा ना। अरे बोलो ना। हा? क्या कह रहे हैं यहां पे, मूल कारण नहीं जानता। किसका मूल कारण नहीं जानता? दुख का मूल कारण नहीं जानता, और वो तो चलो ठीक है, और सच्चा उपाय भी नहीं जानता। अब अपन जो उपाय कर रहे हैं वो सच्चे हैं कि झूठे हैं ये बताओ आप। अपन सब जो उपाय कर रहे हैं सुखी होने के लिए बताओ। बढ़िया पढ़ाई कर लेंगे, बढ़िया पैकेज लग जाएगा तब तो सुखी हो जाएंगे ना बाबू जी। अरे बोलो। हैं आईएएस बन जाएंगे आईपीएस बन जाएंगे तब तो सुखी हो जाएंगे। हैं क्या होगा संजय जी भाई साहब, फैक्ट्री लग गई, चलो पहले टैक्स की बहुत मगजमारी थी अब तो जीएसटी लग गया एक ही कागज से, तब तो सुखी हो गए ना अपन। क्या विधि क्या है ये तो बताओ आप। वो यहाँ टोटल मल्ली साहब कह रहे हैं ये दुख का कारण भी नहीं जानता और सुखी कैसे होऊंगा वो उपाय भी नहीं जानता। अब ऐसी परिस्थिति क्या होगी कि ऐसी परिस्थिति में मात्र तड़प तड़प करके ये दुख ही सहता है। कौन कौन? मैं। हाँ जीव में थोड़ा दूर हो जाएगी बात। मैं क्या चल रहा है बाबूजी मेरे मेरे को दुख का कारण भी नहीं मालूम, दुख का दुख को मिटने का उपाय भी नहीं मालूम, और दुख तो सहन कर रहा हूं ये तो अभी सब बोलोगे अपन दुखी है कि नहीं संजय जी भाई साहब। है तीन बातें हो गई, दुख का वेदन भी हो रहा है, दुख का असली कारण भी नहीं जानता हूं, और दुख कैसे मिटेगा वो उपाय भी नहीं जानता हूं। अब क्या होगा अपने साथ, तड़प तड़प करके जैसे यहां आयु पूरी करेंगे
और यहां से जाएंगे फिर अगली गति में जाएंगे, वहां भी तड़प तड़प के फिर अगली गति में जाएंगे, यूं तड़प तड़प के, यूं भाव मरण यूं द्रव्य मरण सदियों से करता आया हूं। भगवान के सामने भी अपन गीत गा देते हैं, बस साहब हम तो ये कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं हम मुकेश जी भाई साहब? नहीं कजाब साहब बोलते नहीं हो आप पूजा में? कब से करते आ रहे हो ये भाव मरण और द्रव्य मरण सदियों से करता है। अभी जब ये पंक्ति बोलते हो तो आप ये खोजते नहीं हो कि ये मेरा ये क्रम कब रुकेगा और कैसे रुकेगा, कि सिर्फ पूजा में बोलते रहेंगे और इधर से अपन एक द्रव्य चढ़ा देंगे और काम हो जाएगा। अब तो भगवान की जिम्मेदारी है, नहीं भाव जी? भाव मरण किसको कहते हैं, द्रव्य मरण किसको कहते हैं? संजय जी भाई साहब द्रव्य मरण किसको कहते हैं और भाव मरण? बोलो भाई जल्दी बोलो। आप पूजा में बोलते हैं ना यो द्रव्य मरण यो भाव मरण सदियों से करता आया हूं। भाव मरण कब होता है? प्रति समय। क्या हो रहा है उसमें? मरण हो रहा है कि नहीं? प्रति समय कैसे हो रहा है ये बताओ आप। मरण भाव मरण कैसे हो रहा है भाव जी? कैसे हो रहा है भाव मरण? देखो अनंत इच्छाएं आपकी खड़ी है प्रति समय, और उसमें से कोई एक आदि कोई पूरी हो गई, बाकी सब पूरी होती नहीं है। इच्छाएं खड़ी है और आप प्रत्येक समय दुख भोग रहे हो, तो मर रहे हो कि नहीं मर रहे हो आप प्रत्येक समय? है राग द्वेष की भट्टी में प्रत्येक समय जल रहे हो कि नहीं जल रहे हो? है ना? तो ये तो हो गया आपका भाव मरण। और द्रव्य मरण ये मनुष्य पर्याय छोड़ी फिर दूसरी पर्याय में जाएंगे। वह मनुष्य पर्याय में मरण तो एक बार होता है, और मरण का भय है कब कब चलता है? मरण का भय है प्रत्येक समय चलता है। तो ये काम चल रहा है मेरा। क्या काम चल रहा है? यो द्रव्य मरण यो भाव मरण सदियों से करता आया। अब क्या करना है जाओ साहब? कारण खोजना है, कारण कि किसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं और कैसे मेरा दुख दूर होगा। बहुत सरल प्रश्न है और बहुत सरल आपकी जिज्ञासा और क्वेश्चन होना चाहिए। सबसे पहले संजय जी भाई साहब अपना क्वेश्चन होना चाहिए मंदिर में आते ही कि मैं मंदिर में क्यों आया। बताओ क्यों आए हो आप मंदिर में? है मंदिर में क्यों आए हो आप ये बताओ। हमारे पिताजी जैन थे और हम तेरापंथी मुमुक्षु हैं, हम इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। अगर अपन मंदिर में नहीं आएंगे तो मंदिर का क्या होगा, भगवान का क्या होगा? नहीं बाबू जी? नहीं फिर क्या है? क्या 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 काय के लिए मंदिर में आ रहे हो बोलो? आगे कोई समस्या है कि नहीं बताओ संजय जी भाई साहब? कोई समस्या नहीं है तो फिर यहाँ क्यों आ रहे हो आप? समस्या ही नहीं है आपकी तो फिर क्या चक्कर है? कजाब साहब आपकी कोई समस्या है क्या? बिना समस्या से आप आ रहे हो, पाठ कर रहे हो, माला गिन रहे हो, पूजा कर रहे हो, बाबू जी समस्या आपकी है ही नहीं। कैसे चल रहा है काम? आपसे पूछेगा आप दुकान क्यों जाते हो, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं ऐसे ही जाता हूं टाइम पास करने के लिए। नहीं मुकेश जी भाई साहब ऐसा है क्या? और मंदिर क्यों जाते हो? अरे बोलो ना, कोई है कि नहीं हमारी समस्या, कोई हमारे प्रश्न है कि नहीं? बोले है। क्या प्रश्न है? कि जो मैं संसार में दुखी हो रहा हूं, कौन दुखी हो रहा है? अपने तो पुण्य का उदय जोरदार है बाबू जी, क्या प्रॉब्लम है? दोनों टाइम खाना मिल रहा है, रहने को मकान है और सब व्यवस्था जोरदार है, कौन दुखी हो रहा है? जो दुखी हो वो जाए। नहीं डॉक्टर के पास कौन जाता है? जिसके शरीर में रोग हो वो जाए, अपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप। प्रॉब्लम है कि नहीं ये बताओ आप। है प्रॉब्लम कह जाओ साहब? क्या प्रॉब्लम है आप? है ऐसा आपको भगवान के सामने लगता है कि नहीं जब खड़े रहते हो ये बताओ आप? कि मैं संसार में दुखी हूं, मैं जो उपाय कर रहा हूं वो झूठे हैं, मुझे सच्चा उपाय पता नहीं है, मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूं कि मुझे सच्चा उपाय प्राप्त हो जाएगा, आप जो सच्चा उपाय बताओगे उसको मैं सुनकर समझकर इंप्लीमेंट करूंगा, इसलिए मैं मंदिर में आ रहा हूं।
कितने बरस से? प्रश्न तो छोटा सा था, थोड़ा सा ही था आपका। प्रश्न कितना है? थोड़ा सा था मुकेश जी भाई साहब। काम कितना है? है काम तो बस इतना सा है कि मुझे अरहंत भगवान से, सिद्ध भगवान से, आचार्य उपाध्याय साधु से, जैसे वे सुखी हैं, किस प्रकार वो सुखी हुए हैं, वो विधि सीखनी है बस। और जैसे ही विधि मिल जाए फिर क्या करना है हमने को? है सेवन करना है उस विधि का। है जैसे हमको कोई प्रॉब्लम बीमारी थी और हमने वो इलाज कराया कि साहब हमने ये जड़ी बूटी को लिया और ये ठीक हो गए। आपको भी उस प्रकार की बीमारी है तब आप हमारे पास आए तो आप पूछोगे कि साहब क्या करा? हम बताएंगे साहब हमने इस तरह से ये दवाई का इतने दिन तक सेवन किया। अच्छा फिर क्या होगा संजय भाई साहब घर जाने के बाद? हैं घर जाने के बाद क्या करोगे आप? बोलो भाई जल्दी। हैं दवाई का सेवन करोगे ना? हैं अब यहां मंदिर में जब अपन आते हैं अरहंत भगवान के पास, आप तो सुखी हो गए परम सुखी, आचार्य महाराज के पास ओ आप तो महा सुखी है प्रभु, वो बताते हैं विधि सुखी होने की, फिर क्या करते हैं बाबू जी? अपन घर जाके अरे बोलो ना है? कल फिर आऊंगा पूछने के लिए कैसे लेना है, परसों फिर पूछने आऊंगा है, ऐसे ही चलेगा काम है? अरे बोलो ना कैसे रोग मिटेगा? आप थोड़ा बारीकी से विचार करो, हम कितने पद्धति बुद्धि में जकड़े हुए हैं कि हमने धर्म मात्र क्रिया को मान लिया है बाबू, किसी ने पूजा को मान लिया, किसी ने अभिषेक को मान लिया, किसी ने स्वाध्याय को मान लिया। अरे भाई जो आचार्य महाराज बताते हैं परिणति के अंदर पवित्रता लाने की विधि, ऐसी विधि को समझकर आप एकांत में अभ्यास करो। यहां से हटो, कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं आई बाबू? कमजोर भूमिका में आते हैं भगवान के पास और जो मजबूत हो जाते हैं वो फिर जंगल में रहते हैं, उनके लिए भगवान के पास आना रोज नियम नहीं है। वो तो जबरदस्ती प्रतिमा लेके घूम रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रतिमा लेके चलना। क्या करना? वो तो चलते फिरते सिद्ध है, उनको कहां प्रतिमा की जरूरत है? प्रतिमा किसके लिए है? जो कमजोर हैं, जो भूल जाते हैं रोज दवाई लेने के लिए, वो रोज सुबह सुबह आते हैं महाराज ये मेरे से गड़बड़ी हो गई, और वापस तैयार होके वापस जाके मजबूती से घर में फिर अभ्यास करते हैं। और जो वैसे ही मजबूत हैं उनके अभी देखना, हम जिनेंद्र भगवान के समीप आए तो क्यों, पहले ही अपना प्रश्न है क्या कहीं के लिए आए संजय जी भाई साहब? कि मैं संसार में दुखी हूं, मैं दुख का कारण भी नहीं जानता और दुख कैसे दूर होगा ये विधि भी नहीं जानता। अब जिनेंद्र भगवान दुख का कारण बता रहे हैं और दुख को कैसे मेटोगे ये विधि बता रहे हैं, अब अपने को क्या करना है बाबू जी? क्या करना है कि जो वह विधि बता रहे हैं उस विधि को सावधानी से अपने को सेवन करना है, बस इतना सा काम है सुखी होने के लिए। क्या सावधानी रखनी भैया? जो विधि बता रहे हैं उसको अच्छे से समझना, और फिर जैसे जैसे उन्होंने कहा कि भूखे पेट दवाई लेनी तो भूखे पेट, गर्म पानी के साथ लेनी तो गर्म पानी के साथ, बराबर समझना जब वैसी विधि बतावे। और घर पे जाके क्या करना बाबू जी? जैसी विधि बताई है वैसे ही औषधि का सेवन करना। ऐसे ही यहां भगवान अनंत भगवान आचार्य भगवान विधि बताएंगे आपको सुखी होने की, आप तसल्ली से विचार करके फिर क्या करना? घर जाके सेवन करना। सावधानी हटी क्या होगा मुकेश जी भाई साहब? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, फिर अनंत संसार चालू है। जरा सा भी आप चुके यहां पे तो अनंत संसार चालू। चलो देखो अब ये पैराग्राफ पढ़ लो, आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। पूरा पैराग्राफ आप में से कौन पढ़ेगा? बतलाएं दुख का स्वरूप बतलाएं, उन उपायों को
अब इस अधिकार में क्या चलेगा बाबूजी? टोडन बल्ली साहब ने बात बता दी, क्या बता दी, उसे दुख का मूल कारण बताएंगे। अब आगे क्या बताएंगे संजय जी भाई साहब? इस अधिकार में दुख का मूल कारण बताएंगे, दुख का स्वरूप बताएंगे कि दुख में तेरी ये स्थिति हो रही है, तथा उन उपायों को झूठे बतलाएंगे जो तू करता है, और सच्चे उपाय की विधि बताएंगे। ठीक है, अभी देखना ये उपाय तो करता है बाबूजी सुखी होने के लिए, कौन से उपाय करता है? टोडन बल्ली साहब ने क्या, जो इसको भासित होते हैं, क्या करता है सुखी होने के लिए उपाय कौन से करता है? जो इसको भासित होते हैं, कैसे भासित होते हैं? इसको लगता है कि हाँ यही सच्चे है, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, पढ़ाई कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बढ़िया डिग्री मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, शादी कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मकान बना लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, इतने गहने इकट्ठे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चों की शादी कर दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, है ना, घर घर छोड़ दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, है जो इसको अच्छा भाषित होता है वो ही करता है। लेकिन टोडन बल्ली साहब कह रहे हैं कि सच्चा नहीं है, सच्चे बिना इसको सुख प्राप्त नहीं होगा। बात पकड़ में आ रही क्या साहब? अपनी मर्जी से देखो बाबूजी, भोजन भी करता है तो सुखी होने के लिए, और भोजन छोड़ता है वो भी सुखी होने के लिए। आपको पता है दुखी होने के लिए कुछ नहीं करता है, आप दोनों समय भोजन कर रहे हो तो काहे के लिए है? सुखी होने के लिए, और भोजन छोड़ते हो तो हमने करके भी देख लिया मुकेश जी भाई साहब, और छोड़ के भी देख लिया, न तो करने में सुख मिला न छोड़ने में सुख मिला, क्यों नहीं मिला? क्या सच्चा उपाय पता नहीं है हम, बात पकड़ में आई क्या जाओ सर? सच्चा उपाय इसे पता नहीं, तो इस अधिकार में अभी दुख का कारण बताएंगे, फिर जो तू उपाय करता वो झूठे हैं ये बतलाएंगे, सच्चा उपाय क्या है ये बतलाएंगे। ये तीन बातें अब इस अधिकार में चलेगी तो अपने को बड़ी शांति से अपने को ये उपाय को समझना है। अधिकार थोड़ा सा कठिन है क्योंकि यहां अलग अलग अपेक्षा से बताया है, कर्म की उदय की अपेक्षा से बताया है, कहीं पर्याय की अपेक्षा से बताया है, कहीं तो अपन स्टेप बाय स्टेप इसकी चर्चा करेंगे। ये मूल भूमिका है इस अध्याय, मतलब इस अधिकार के अंदर क्या विषय वस्तु चलेगी इसकी यहां चर्चा है। ठीक है, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग मानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोक।